Thank you. बाबा ब्रह्मा शुद्ध विष्णु का है ना, ब्रह्मा बाबा नर भी है और ब्रह्मा नारी भी है, ये भी लक्ष्मी है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनी थी। ब्रह्मा बाबा नारी कैसे? ब्रह्मा का चोला बाबा पांच ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा पांच ऐसे कोई ब्रह्मा नारी चोला भी है तो ब्रह्मा बाबा लग रहा हूँ ब्रह्मा कर है ब्रह्मा कर है। तो ये भी दिया है कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मतलब दो ऐसे जो गया पर नारायण बनेगा, ब्रह्मा जो नर नर चोला है वो नारायण बनेगा और ब्रह्मा जो नारी चोला वो लक्ष्मी बनेगा, दूसरी ऐसे में जाके विष्णु बने। और ये जब विष्णु जब बन जाते हैं पांचों ब्रह्मा को बाद विष्णु बनेंगे तो ब्रह्मा की एडिशन खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा रहेगा नहीं और फिर शंकर भी नहीं रहेगा। तो त्रिमूर्ति की जयंती और त्रिमूर्ति कटक होती नहीं है साथ में ना, फिर तीन मूर्ति के साथ शिव की जयंती होती है और अंत में शिव की जयंती होनी है। तीन मूर्तियों की इकट्ठी जयंती नहीं होती है, त्रिमूर्ति शिव जयंती बोले है ना, जब त्रिमूर्ति शिव कहते हैं तो जरूर तीनों मूर्तियों की इकट्ठी जयंती होगी। जयंती साकार की होती है या शिव निराकार की होती है? तो शिव को भी तीन मूर्तियों के द्वारा साकार बनना पड़े और साकार में पाठ भी बजाना पड़े। हाँ, कोई मूर्ति के द्वारा बोलने का पाठ बजाते हैं, सुनने सुनाने का पाठ बजाते हैं, कोई मूर्ति के द्वारा सुनने सुनाने के साथ साथ समझाने का भी पाठ बजाते हैं, कोई मूर्ति के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म करने का पाठ बजाते हैं, बोल बोल करने का पाठ नहीं बजाते, कोई को बैठ करके समझाने देने का पाठ नहीं बजाते हैं, क्या करते हैं? प्रैक्टिकल कर्म करने का पाठ बजाते हैं। बाकी तीनों ही मूर्तियां चाहिए, तीनों इकट्ठी होंगी, तीनों इकट्ठा पाठ बजाएंगी तभी विष्णु बनेगा। नो विषय ताल, ब्रह्मा को तो नीचे तबके में दिखाया गया, विषय विकार पूरा नष्ट चाहिए। विष्णु के स्टेज को जब धारण कर लेगी तो उसमें ब्रह्मा होगा नहीं, शंकर भी नहीं होगा। पांच योनि ब्रह्मा पास्ट का पार्ट बजाने वाले होंगे, नहीं होंगे ये कैसे कह सकते? हाँ, संपन्न स्टेज में होंगे। हाँ, चालीस वर्ष ज्ञान की पढ़ाई होती है, रियलाइजेड तो सभी को तो टाइम नहीं मिलता है, फिर छिहत्तर से लेकर के और एक भी तक क्या टाइम नहीं मिलता है। अरे पढ़ाई पढ़ाने के लिए एक मुख्य आत्मा है जो बच्चा बुद्धि है, उससे ज्यादा बच्चा बुद्धि कोई भी है ही नहीं, और बहुत प्यारा बच्चा है, उस बच्चे की ही पढ़ाई हो रही है, उसकी पढ़ाई में सारे ब्राह्मण परिवार की समाई हुई है पढ़ाई, एक के पावन बनने से सब पावन बन जा रही है, एक के पतित बनने से सब पतित बन जा रही है। तो एक ही बात बताइए, बाकी फिर नंबर वन। और जो बीती मुझे अभी कर्मक नहीं मिल रहे हैं, बीते कभी कर्मक नहीं मिल रहे हैं, तो क्या उनको जो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्साह तो करते रह जाएंगे। बीते में सभी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म के पक्के पूर्वज भी है? सब धर्म के है तो दूसरे धर्म वाले बाद में नंबर लगेगा कि अभी नंबर लगेगा? उनका नंबर बाद में लगेगा।
और जगदम्बा की जोड़ी किसके साथ बनी? एक प्रश्न आया पहले, आगे एक बात आ रही है, जगदम्बा की जोड़ी किसके साथ बनेगी तो हमारा भी नंबर लग जाए, कोई पूछ रहा है। पहले नंबर का तो आउट हो जाए मणका। तो जैसे रुद्रमाला में नंबर वार हैं, वैसे विजयमाला में भी नंबर वार है। रुद्रमाला में अव्वल नंबर का मणका भी है तो लास्ट नंबर का मणका भी है। दोनों मणकों की ये सिद्ध है कि बाप के बराबर नजदीक हैं। कौन से बाप के नजदीक? सुप्रीम सोल। ऐसे ही विजयमाला में अव्वल नंबर का मणका भी है तो लास्ट नंबर का मणका भी है, और दोनों ही मणके साकार और निराकार बाप के समान रूप से नजदीक है। तो हिसाब तो बन गया ना। हाँ जी, जो ज्ञान में नहीं चलते उनका क्या होगा? जो ज्ञान में नहीं चलते उनके लिए बता दिया ना कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलने लग पड़ेगा। तो तुम्हारे परिवार में भी तो बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान में नहीं चलते, तो आगे चलकर चलने लग पड़ेगी। विश्वास नहीं है क्या? हैं? विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं होता है? लो, अच्छे संकल्प करेंगे, अच्छे संकल्पों का बीज बोएंगे तो अच्छा होगा, और बुरे संकल्प करेंगे तो बुरा होगा। तो अपने परिवार के भांतियों के लिए पैसा संकल्प करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं? अभी अभी आए। अच्छा अच्छा, बच्चा बुद्धि है। चलो त्रेसठ जन्म में एक साथ ही तुमने ले लिए या नंबर बार लिए? तो फिर हिसाब किताब भी नंबर बार आएगा। त्रेसठ जन्म की रील हिसाब से ही घूमेगी। अरस परस है, अंडा पहले होता है कि मुर्गी पहले होती है? मुर्गी पहले होती है कि अंडा पहले होता है? अरस परस है। अभी पूर्व जन्म तो पास हो गया, वो तो हमारी बुद्धि में नहीं है, बाकी वर्तमान संगम युग की ही जन्म का पुरुषार्थ ये तो हमारी बुद्धि में है। चाहे तो हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें और चाहे तो न करें, बाकी इतना जरूर है कि बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना अनुभव भी करते हैं। हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, फिर भी ना चाहते हुए पुरुषार्थ डाउन हो जाता है, गलती हो ही जाती है। इसका कारण क्या है? है त्रेसठ जन्मों की जो रील है अच्छे बुरे कर्मों की, वो संगम युग में घूमती रहती है। जब अच्छे किए हुए कर्मों की रील उदित होती है तो न चाहते हुए भी अच्छा पुरुषार्थ होता रहता है, बहुत अच्छी अवस्था बन जाती है।
कभी उल्टा हो जाता है। फिर भी अभी हिम्मतें बच्चे तो मदद बाप मिला हुआ है, श्रेष्ठ जन्मों में तो बाप नहीं मिला हुआ था। इसलिए श्रेष्ठ जन्म की बात को याद करके फंक नहीं होना है। क्या सदैव याद रखना है कि बाप हमारा साथी है, बाप ने संगम में हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में दी हुई है। जब बहुत हवा खराब अवस्था होती है तो हिम्मत करके बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जबकि ऐसे सैंपल भी हमारे सामने बाबा ने रखते हैं जिनके लिए बोला है कि जब ज्यादा माया आती है तो उनका पुरुषार्थ भी ज्यादा तीखा हो जाता है। तो उनका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता, हमारा भी हो सकता है, हम भी बाप के बच्चे हैं। लिट्टी जला करके लोहड़ी मनाता है, लकड़ी जलाते हैं उसमें उसका क्या रहते हैं? लकड़ी जलाते हैं जैसे होली पर लकड़ी जलाते हैं, ऐसे मकर संक्रांति पर लकड़ी जलाते हैं। बाबा मकर संक्रांति का मतलब क्या है? मकर संक्रांति अंती हो जाए बाबा। पाप और पुण्य प्रकृति में दिखलाए, पाप और पुण्य जो है प्रकृति में दिखलाए, पाप और पुण्य प्रकृति में दिखलाया गया। हाँ, तो जो श्रेष्ठ आत्मा होता है वो न पाप में रमता है न पुण्य में रमता है। वो कौन सी आत्मा होता है श्रेष्ठ? शिव बाबा के सिवाय? बस वही शिव बाप के सिवाय ऐसी कौन सी आत्मा है जो पाप में लिप्त नहीं होती है और पुण्य में भी लिप्त नहीं होती है? कोई है? है? वही परम पिता माने जिसका पिता कोई भी नहीं है। परम आत्मा कहें तो कंट्रास्ट है, इसके बीच में आत्माओं के बीच में कंट्रास्ट है। आत्माएं जो पाइप बजाने वाली है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, उनके बीच में परम पाइप बजाने वाली उस सबका बाप नहीं है। उसका भी कोई बाप है, कौन है? है परम पिता। प्रजापिता का भी बाप है, प्रजापिता जो भी आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, जरूर हीरो पार्टधारी है, लेकिन उसका भी कोई बाप है। कौन है? शिव। शिव बाप। त्रेसठ जन्म जो पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हुआ ना। त्रेसठ जन्म जो भक्ति की, इतनी तपस्या की, इतना दान पुण्य किया, उसका फल क्या मिला? भगवान मिला, लेकिन भगवान अम्मा के रूप में मिला। किस रूप में मिला? अम्मा के रूप में मिला। अम्मा से वर्षा तो नहीं मिलता, इसलिए जब ब्रह्मा के रूप में भगवान मिला
तो जो कुछ भी हमने किया दान पुण्य तपस्या वो व्यर्थ जाएगा क्या? व्यर्थ नहीं जा सकता, उसका भी फल मिलता है। क्या फल मिलता है? हैं? बाप मिला, बाप में क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगा, अम्मा से वर्षा थोड़ा ही मिलता है, बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है। तो व्यर्थ नहीं गया, जो किया अच्छा किया। भगवान ने अन्न में ताकत क्यों दी है? भगवान ने पुरुषों को ताकत क्यों दी? पिछले जन्म में आप पुरुष बने कि नहीं बने? भूल गए? अच्छा आप पहले बताइए, आप आत्मा है ना? आत्मा आधे जन्म में स्त्री आधे जन्म में पुरुष बनती है, तो आप बने कि नहीं बने? तो आपका हिस्सा है ज्यादा सुख भोग लेने का, तो दूसरों को भी बनना चाहिए। अरे सुख लिया है पुरुष बन के, जबरदस्ती खींच खींच के लिया ना, तो आपने लिया तो उसका उजूरा नहीं देना पड़ेगा? देंगे कि नहीं? वो उजूरा होता है। ये 63 जन्म का हिसाब किताब है, 21 जन्मों का ये हिसाब किताब नहीं है। 63 जन्मों में अगर कोई कर्मों की छोरी को शिव बाबा से संगम युग में अच्छा पढ़ा है, तो वो 63 जन्म में ज्यादा पुरुष के जन्म लेगा, क्योंकि उसने कर्मों की छोरी की पढ़ाई अच्छी पढ़ी है। इस पढ़ाई का कारण लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? ये लाभ मिलता है कि पुरुष जन्म लेकर भी कोई ऐसे काम नहीं करेगा जिससे स्त्री जाति को दुख ज्यादा बढ़ जाए। ये पढ़ाई शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? इस तरफ का गेट माताएं खोलेंगी, कन्याएं माताएं खोलेंगी, सरक का गेट पुरुष नहीं खोल सकते। कितना भी चाहे तो भी नहीं खोल सकते। ऐसे भारत के शास्त्रों में भी गायन है, पंडित विद्वान आचार्य बैठ के सुनाते रहते हैं, यत् नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, लाउड स्पीकर पर चिल्लाते रहते हैं। लेकिन इतना चिल्लाने के बावजूद भी, इतनी शिक्षा सुनाने के बावजूद भी, क्या नारियों की पूजा हो रही है? क्या और यहां बिगड़ती चली जा रही है? तो जब हालत बिगड़ते बिगड़ते सर के ऊपर पानी आ जाता है, माताओं से कन्याओं से सहन नहीं होता है, हर चीज की एक हद होती है, लिमिट होती है, तो फिर भगवान आ जाता है। और अभी माँ की गीता में भगवान का जो कैरेक्टर है उसको अर्जुन को कंट्रोल कर रखता है, हैं? जब तक सहयोग देने के लिए सारथी साथ में है, तब जिम्मेवारी व्यक्ति की किसकी हो जाती है? जितने रस संभाला हुआ है उसकी जिम्मेवारी हो गई। लेकिन अपने रस को अपने आप संभाल करके दिखाए तब बड़ी बात है, या सारथी संभालता रहे हमेशा, सब बड़ी बात है।
अपने आप को माने। तो शिव में सारा मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ समाया हुआ है या प्रजापिता में सारा मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ समाया हुआ है? प्रजापिता में सारा मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ समाया हुआ है। इसलिए भगवान को उस रथ पर रहने की दरकार नहीं है। जब वो संपन्न तेज पकड़ ले, जब संपन्न तेज पकड़ ले बीज, तो उस बीज में सारा झाड़ समाया जाता है। वो बीज अच्छे से अच्छा पाठधारी भी है और वो बीज बुरे से बुरा पाठधारी भी है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। इसलिए विराट रूप में जानवर भी दिखाए गए हैं, देवताएं भी दिखाए गए हैं, राक्षस भी दिखाए गए हैं। जैसे कि सारी दुनिया उस विराट रूप में समाई हुई है, बाकी है कि नहीं है कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं? नहीं, मनुष्य जानवरों जैसा पार्ट बजाते हैं। लेकिन वो सबका अर्जुन देखता है ना बाबा, वो पर्सनालिटी बाबा, यहाँ जिस आत्मा का पार्ट है वो खुद नहीं देखेगा। आत्मा जिसका पार्ट है, सारे मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ का बीज तो दूसरे ही लोग देखेंगे, ये आम का बीज है, इसका झाड़ ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे फल निकलते हैं, ऐसे ऐसे बौर निकलता है, वो खुद नहीं जानेगा, खुद भी जानेगा। और बाबा लक्ष्मी नारायण की स्टेट को कौन सा कहेंगे, साकारी आकारी या निराकारी? लक्ष्मी नारायण के बारे में ही अव्यक्तवाणी ने बोला, बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। अगर साकार न बने तो देवताओं की शक्ति कहां से आएगी? पहले बाप के लिए ये बात लागू होती है। कौन से बाप के लिए? बेहद के दो बाप हैं, प्रजापिता के लिए बात लागू होती है। बाकी वो निराकार तो कभी साकार बनता ही नहीं। बाबा जगदम्बा की कोई माँ नहीं होती तो फिर दादी पर दादी क्या चीज है, कैसे? जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है और सारा जगत में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अरब देश, मुस्लिम देश, सब देश आ जाते हैं। तो पहले सब देश थे या पहले सिर्फ भारत देश था? भारत। तो पुराना कौन हुआ? पुरानी भारत माता हुई या पुरानी जगत माता हुई? भारत माता हुई, भारत माता के बाद फिर जगत माता हूँ। इसलिए लक्ष्य ज्यादा ऊंचा किसका है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का लक्ष्य ऊंचा है और जगदम्बा का लक्ष्य उससे नीचे है। और लक्ष्मी को चाहे जगदम्बा कहो, चाहे कोई त्रिदेवी कहो, उन सबसे ऊंचा पदवी है एक, कौन सा? परदादी का। क्या वो दादा है, वो दादी है, लेकिन कोई परदादी भी है। जैसे राज्यसभा में ऊंची कुर्सी पर राजमाता बैठती है और जो राजसी पदवी है राजा के साथ लक्ष्मी बैठती है।
कारोबार दादी के हाथ में होता है या लक्ष्मी के हाथ में होता है? लक्ष्मी के हाथ में कारोबार होता है, लेकिन लक्ष्मी दादी की मान्यता करती है या नहीं करती है? करती है, जरूर अनुभव में और ज्ञान में आगे होगी या पीछे होगी? आगे होगी। जो दुनियादारी का अनुभव लक्ष्मी ने नहीं लिया होगा वो अनुभव दादी ने लिया होगा। तो ऊंच नीच का सवाल नहीं है, अपना अपना अपने अपने टाइम पर अपने अपने स्थान पर पार्ट की बात है। बाकी बाबा ने तो जो जीवन का लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। अगर लक्ष्य प्राप्त किया तो सब कुछ प्राप्त किया। लक्ष्य में अव्वल नंबर नहीं आया तो प्राप्ति में कमी हो जाती है। और बाबा ये जो पहले साकारी से आकारी फिर निराकारी से साकारी कैसे अभी शंकर को जो आकारी बोलेंगे ना, शंकर की बात नहीं हो रही है। शंकर कहा जाता है संकरण को, मिश्रण को। शंकर किसे कहा जाता है? मिश्रण को शंकर कहा जाता है। जब शंकर कहते हैं तो कितनी आत्माओं का संकरण है? तीन आत्माओं का संकरण है, वो बात अलग। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे, प्रजापिता का पार्ट अलग। यज्ञ के आज में कहेंगे कौन कौन था? प्रजापिता था। तो उस बाप के बारे में बोला आदित्यवाणी में, इस बाप के बारे में जो मनुष्य शक्ति का बाप है, वो मनुष्य शक्ति का बाप शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीरधारी नहीं बनता है। बनता है नहीं, उसका तो पूरे 5000 वर्ष का साकार दुनिया में पार्ट है। उसके लिए बोला बाप साकार से आकारी बने। आकारी माने शरीर के साथ आकारी बना या शरीर छोड़ करके आकारी बना? है शरीर के साथ आकारी बना, शरीर छोड़ करके आकारी बनना, ये चंद्रवंशियों का पार्ट है, चंद्रमा का पार्ट है, सूर्यवंशियों का पार्ट नहीं है। और बाबा कुंभ मेला का मतलब क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है तो सागर और नदियां इकट्ठी हो जाती है, उनमें भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलकर के साथ होकर के सागर से मिलती है। तो सागर उन कन्याओं माताओं रूपी गंगा और ब्रह्मपुत्रा जिनमें यमुना ने सरस्वती ने अपने को पहले ही मिक्स कर रखा है, समा चुकी है। उन नदियों को ज्ञान का कलश अर्पण कर देता है। कलश माने कुंभ, इसलिए कुंभ का भी लगाया हुआ है। और मेले बार बार जो गांव गांव में शहर शहर में होते ही रहते हैं, फिर गंगा सागर एक बार गया हूँ। बाबा मकर संक्रांति में भी तो गंगा सागर मेला लगते हैं। वो माह कौन सा है जिस माह में गंगा सागर का मेला गाया हुआ है? 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 यही तो, जहाँ मकर संक्रांति होती है
इसलिए ये संगम युग की यादगार है। जैसे नदियों और सागर का संगम होता है, ऐसे ये भी है, ये चैतन्य में है, वो जड़ में है। और संजय जो मवाद में दिखलाया गया वो जीव दृष्टि प्राप्त किया था या संपूर्ण कर्म किया था? संपूर्ण क्या किया था? संपूर्ण कर्म किया था या जीव दृष्टि प्राप्त किया था? अच्छे कर्म किए थे, सपूर्ण सपूर्ण कर्म किए थे या दिव्य दृष्टि प्राप्त किए? सम माने संपूर्ण, जय माने विजय। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसका नाम संजय रखा? जगदीश भाई का। तो जगदीश भाई का हदफ या वेद का अर्थ क्या है? सारे जगत का नियंता ईश्वर, वो जगदीश के ऊपर पड़ा नाम। वो हद का जगदीश हुआ या वेद का हुआ? हद का हो गया। तो वेद का भी कोई जगदीश है ना? जैसे वेद का जगदीश है वैसे ही बेहद का संजय भी है। सम माने संपूर्ण, जय माने विजय। जिसकी संपूर्ण विजय होती है, जिसकी कभी हार होती नहीं है, वो एक ही पात्र है जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है कि जितने भी युद्ध हुए, जितने भी केस हुए, उन केस में उसकी क्या होती है? विजय ही विजय होती है, हार कभी नुद्धि हुई नहीं है। इसलिए बाबा ने क्या फिक्र दिया है बच्चे, भूल गया? अरे अपना फिक्रा से याद रहना चाहिए। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा सऊदी अरब में ये बताते हैं कि हमारे शिव के जो मक्का मदीना बताते हैं जल चढ़ा देंगे तो मुस्लिम धर्म की मक्का हो जाएगी, तो कैसे होता है? वो हद का मक्का मदीना जहाँ सारे मुसलमान जाके इकट्ठे होते हैं, वो मुसलमान जो ज्ञान गंगा की बातों को सुनने से कान में पूरी दे लेते हैं और कहते हैं अल्लाह मियां बोया, अल्लाह हो अकबर, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, वो तो हद के हैं। क्या वेद के भी कोई है कि नहीं है? हैं? कहाँ है? वो बेसिक में है। जब आपको बेसिक का पता है तो उनके ठिकाने का भी पता होगा। उस ठिकाने पर ये फाउंडेशन पड़ता है कि अगर एडवांस ज्ञान का कोई वहां अंदर जाकर के प्रचार प्रसार करना शुरू कर देगा तो उनका किला किला टूट जाएगा। इसलिए हद का जो मक्का मदीना है वहां भी बड़े सतर्क रहते हैं कि कोई फूल जल गंगा का ले जाकर के वहां न डाल दे। अब ना फूल जल की बात है, फूल जल की बात है नहीं है, ज्ञान जल की बात है, न उस मक्का मदीना की बात है। कहां की बात है? ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। और बाबा ये वेद वाणी तो आधा है ना, तो छोटी माँ ऐसी क्या मतलब धारणा के आधार पर क्या उनके नाम वेदांती पड़ती है? वो वेदोकांत कैसे करती है? प्रेम जो सच्चा प्रेम होता है, अव्यभिचारी प्रेम, उसमें सारे वेद शास्त्रों का सार समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? समाया हुआ बस, इसीलिए मतलब धारणा करके जो है तो प्रैक्टिकल धारणा की बात है।
सृष्टि है, सृष्टि का जो चित्र है, वृक्ष का जो तत्व कल वृक्ष का चित्र है, वृक्ष का तो इसमें जो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक उसको मूल की तरफ दिखाया गया है और वो पुरुष चोला है, और जो मुस्लिम धर्म का संस्थापक स्त्री चोला दिखाया गया है जो विमुख है, वो अकेला थोड़े ही विमुख है, सारे ही धर्म पिता है विमुख है, इब्राहिम को छोड़ करके सारे ही धर्म पिताएं अपने अपने अहंकार में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक ही धर्म पिता है विदर्भियों के बीच में, विदेशियों के बीच में जो भारत की ओर उन्मुख हुए बैठा है, उसको शास्त्रों में पांडवों के साथ किस रूप में दिखाया है, हैं? कुत्ते के रूप में दिखाया है, कुत्ता कौन से विकार में प्रसिद्ध आया हुआ है, काम विकार में प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी खासियत क्या है, उसका गुण कौन सा है, वो जितना वफादार होता है उतना और कोई भी पशु वफादार नहीं होता है, इसलिए इब्राहिम को किस तरफ मुखातिब दिखाया गया है, भारत की ओर मुखातिब दिखाया गया है, स्त्री चोला जो मुस्लिम धर्म को दिखाया गया है, स्त्री चोला कोई है जो मूर्तियों को खंडन करने वाला है, क्या मूर्तियों को बुत परस्त नहीं है, बुत की मान्यता करने वालों को काफिर घोषित कर दिया, वो इसी चोला दिखाएंगे तो देवताओं को नहीं मानते, इस्लामी सब देवताओं की पूजा करते थे पहले, ढेर की ढेर मूर्तियां थी जो अरब देश में पूजी जाती थी, वो फाउंडेशन अपना भारत से लेकर के गए थे, बाद में मोहम्मद ने आकर के उन मूर्तियों का खंडन कर दिया, तो साकार को नहीं मानते, और इंसान अच्छा बुरा जो भी कर्म करता है उसको उसका फल उसे जन्म में क्यों नहीं मिलता, जन्म जन्म के लिए पीछा क्यों करता है, उसे अच्छे कर्म जो कर्म धीमी गति से किए जाते हैं, धीमे धीमे संकल्प से किए जाते हैं, धीमे पुरुषार्थ से किए जाते हैं, उनका फल भी धीमे धीमे मिलेगा या तुरंत मिल जाएगा, एक आदमी बहुत तीव्र संकल्प कर रहा है और दूसरा आदमी बहुत संकल्प बहुत धीमी गति से कर रहा है, एक आदमी वाचा से बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहा है और दूसरा आदमी उसी प्रकार की वाचा बहुत धीमी गति से चला रहा है, एक आदमी कर्म इंद्रियों से बहुत तीव्र कर्म कर रहा है, तीव्र दौड़ दौड़ रहा है, दूसरा आदमी धीमी गति से धीमी चाल से कर रहा है, तो फल में अंतर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, है आना चाहिए, तो अंतर पड़ जाता है, जो कर्म बहुत धीमी गति से किए जाते हैं उनका फल बहुत टाइम के बाद मिलता है, और कोई बहुत तीव्र गति से किए जाते हैं उनका फल तुरंत मिल जाता है, हाँ बाबा दूध को भी आए हैं, अच्छी के लिए दूध को भी आए हैं परिवार में, हाँ मैं जा रही हूँ दवा करा, हाँ नहीं होगा, आपने आपने सच्चाई के लिए सत्य खंड की स्थापना के लिए झूठ बोला या झूठ खंड की स्थापना के लिए झूठ बोला, सत्य खंड में सुख होगा या झूठ खंड में सुख होगा, सच्चा किसे कहते हैं और झूठा किसे कहते हैं,
अगर ये सांप को पता हो जाए तो ये जो सुप्रीम जज है इंडिया का लाखों रुपया ले रहा है उसको रखने की क्या दरकार। हर आदमी सच्चा और झूठ की पहचान नहीं कर सकता, इसके लिए दिमाग चाहिए। सच्चा और झूठा उसकी खास पहचान बताई गई है। सच्चा वो है जिसका रिजल्ट सुख में है और झूठ वो है जिसका रिजल्ट दुख में है। सुख माने सच्चा और दुख माने झूठा। तो आप जो करके आए हैं झूठ बोल के आए हैं तो उससे आपके लिए सुख होगा या दुख होगा? आपके लिए क्या रिजल्ट निकलेगा? सुख का रिजल्ट निकलेगा। और आपके लिए सुख का रिजल्ट निकलेगा तो आपके जो बंधु बांधव हैं परिवार के भांति हैं आखिरी स्टेज में जाकर के उनको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? अभी अल्पकाल का आपको दुख मिलना है। जो आप सच्चा या झूठा कदम उठाते हैं उसमें अल्पकाल और दीर्घकाल भी लुदा हुआ है। आपने जो झूठा बोल के आए हैं उसका अल्पकाल के लिए आपको दुख मिलना है, लेकिन सदाकाल के लिए सुख ही सुख मिलना है, आपको भी और आपके परिवार को भी मिलेगा। तो झूठ क्या है और सत्य क्या है इसकी परिभाषा भी बुरी होती चली जाती है। और वो एक क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग तो मतलब बात सुनने नहीं करते, हमारा एकदम पवित्र है, सबको पवित्र बनाता है, वो सुनते नहीं लाता है, बोलता है, क्या बात है, क्या बात हो गया? अकेले क्रिश्चियंस को क्यों आपने पकड़ लिया? सिख सुनना चाहते हैं आपकी बात, मुसलमान आपकी बात सुनना चाहते हैं, बौद्धी आपकी बात सुनना चाहते हैं, जैनी आपकी बात सुनना चाहते हैं, दूसरे धर्म वाले कोई भी आपकी बात नहीं सुनना चाहते। हाँ वो कन्वर्ट होने वाले जाते हैं, हाँ मतलब कोई आत्माएं होती है सहज सहज समझाने से मान जाती है सच्चाई को, और कोई आत्माएं होती है वो सहज समझाने से नहीं मानती कि धर्मराज कब काम में आवेगा। भगवान तो अपने बच्चों को ले जाने के लिए आया है, जो पहले समझ जाते हैं वो फायदे में रहेंगे, सजाएं कम खाएंगे, हो सकता है बिल्कुल सजाएं ना खाएं, और जो ना मानने वाले हैं नहीं सुनना चाहते वो बाद में समझेंगे, काय से समझेंगे, हम डंडे से भूत भाग जाते हैं। और बाबा दूसरे के मतलब वो प्रधान नहीं बनते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इंग्लैंड जो अंग्रेज होते हैं वो इतनी शादियाँ करते हैं और वैसे भी काम काम में इतने गिरते हैं, वो तो वो प्रधान अगर ज्यादा शादियाँ करते हैं और फिर भी आपस में प्यार से रहते हैं तो सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? क्या कहेंगे? अगर ज्यादा शादियाँ भी करते हैं तो भी आपस में प्यार से रहते हुए अगर देखे जाए अगर प्यार से
भाई हमारी तो वाइफ नहीं बनती, हमने दूसरी शादी कर ली, दूसरी जाके हम दूसरी जगह जाके सुख 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 से रहें। आपको क्या परेशानी? अरे कोई कोई अपना पाला बदल करके सुख में रह सकता है, आपको परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी की बात नहीं बाबा, बाबा कहते हैं ना कि दूसरे देश वाले ना तो वो प्रधान बनते हैं ना तो प्रधान बनते हैं। हाँ वो तो बाद में आए ना, वालों से ज्यादा तो वो प्रधान हुए ना, वो बाद में आए हैं और हम तो पुराने हैं, हमने ज्यादा जन्म लिए हैं और उन्होंने कम जन्म लिए हैं, तो उनकी सुख की कोटि भी नीची कोटि की होगी या ऊंची कोटि की होगी? उनका सुख नीची कोटि का है और हमारा सुख ऊंची कोटि का है। देखो नाली का कीड़ा भी है, नाली के कीड़े को नाली में से निकाल के साफ सुथरी और धूप में रख दो, सवेरे की जो अच्छी धूप होती है सब पसंद करते हैं, तो वहां भी तिल मिलाएगा, परेशान हो जाएगा, फिर उसको उठा करके उसी नाली में डाल दो तो चैन आ जाएगा। तो ऐसे ही है, कोई को कलयुग की दुनिया में स्वर्ग दिखाई पड़ता है, वो आपके सुख को जो आप सुनाते हैं वो मानने के लिए तैयार है। और आप, आपको सुनाया गया और आपको याद आ गया, जिसने रसगुल्ला खाया है तो उसको रसगुल्ला जल्दी याद आ जाता है। हाँ ऐसा कैसे था, उन्होंने खाया ही नहीं तो उनको याद नहीं आता है। हाँ उनकी निशानी होगी कि उनकी दिल जो है वहाँ पहुँचने के लिए तड़पाएगा। मतलब बाबा बाल भी है क्यों नहीं है? ये जितने भी यहाँ बैठे हैं या जितने और भी एडवांस में आ रहे हैं आने वाले हैं, जितने भी हैं वो नई दुनिया के संगठन में नहीं जाएंगे है? नहीं जाएंगे, जाएंगे। अरे कोई पहले जाएंगे और कोई बाद में जाएंगे। हाँ जाने वालों में से भी कोई ऐसे है वो तो फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का, तो जाने वालों में से भी कोई ऐसे है जब जरूरत पड़ेगा और कच्चे होंगे तो या तो बिखर जाएंगे या तो छिटक के दूर गिरेंगे जाएंगे। तो भूखला सोना है क्या है? बाबा यहाँ सब तो एनएस में जाएंगे लेकिन सब सूर्यवंशी तो नहीं है ना, ठेठ सूर्यवंशी। ये तो जो भी कन्वर्ट हुए हैं रुद्रमाला के मण के, जो भी राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को जन्म देने वाले हैं, कितने हैं? हैं? अरे भूल गए ज्ञान ज्ञान क्या? अरे 4 लाख है ना, तो 4.5 लाख सारे ही कहाँ पहुँचेंगे? सारे ही सूर्यवंशी बनेंगे। अभी वो कोई भी धर्म का छिलका चढ़ा हुआ दिखा रहे हो, इस्लाम धर्म जैसा पार्ट बजाए रहे हो, क्रिश्चियन धर्म जैसा पार्ट बजाए रहे हो, मुसलमानों जैसा सिखों जैसा पार्ट बजाए रहे हो, लेकिन उनका छिलका आखिरी उतरेगा या नहीं उतरेगा? उतरेगा, छिलका उतरेगा, और जब छिलका उतरेगा तो कहाँ पहुंचेंगे? वही पहुंचेंगे। जैसे बेसिक के लिए बोला, क्या बोला? आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाएगी, कट नहीं सारी कट बेसिकली जब उतर जाती है तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। ऐसी यहाँ भी और शिव बाबा को धर्मराज मिलता है। शिव बाबा प्यार का सागर है या धर्मराज की मार मारता है? अरे ये किसने बोला?
है, तो मैं किसी ने गलत काम सुना दी है, है? और पिता का लोग एक जन्म के संघर्ष में था, शिवाजी और महाराणा प्रताप और चाणक्य था, तो फिर मना राजा का सुख क्या प्राप्त करता है, एक लक्ष्मी का सुख होता है, एक नारायण का सुख होता है, क्या लक्ष्मी का सुख प्योरिटी का सुख है, वो प्योरिटी मनसा की प्योरिटी है या तन की प्योरिटी है, हाँ तन की प्योरिटी है, लक्ष्मी की जो प्योरिटी है वो लंबे समय का जो प्योरिटी का पुरुषार्थ है वो तन की प्योरिटी है या मन की प्योरिटी है, अगर मन की प्योरिटी है तो मन बुद्धि से बाप की पहचान है पूरी नहीं है, जब पहचान नहीं तो मन की प्योरिटी कैसे, शरीर की प्योरिटी होती है, मन और बुद्धि बिंदु बाप को याद करने बिगर पवित्र बन सकती है क्या, बन सकती है नहीं बन सकती, और वो बिंदु बाप भी साकार में चाहिए, तो वो प्योरिटी तो है और प्योरिटी में शंकर से भी आगे है क्या, लेकिन कौन सी प्योरिटी है, है तन की प्योरिटी है और शंकर की तन की प्योरिटी है और मन की, मन की प्योरिटी, सन्यासियों की तन की प्योरिटी है या मन की प्योरिटी है, तन की प्योरिटी तो रखते हैं जंगल में चले जाएंगे, लेकिन मन, मन क्या करता है, मन फिर भी वहीं जा करके गिरता है, तो तथा कहते तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो कौन सी प्योरिटी का पालन कर रहे हैं, सन्यासी की प्योरिटी चल रही है या पवित्र मार्ग की प्योरिटी चल रही है, सन्यासियों की प्योरिटी है, दूरवार उत्वाद वाली प्योरिटी है, वो तन की प्योरिटी के लिए भी बाबा ने बड़ा भारी महत्व दे दिया है, बाबा अपने बच्चों से डायरेक्ट बोलता है, बच्चे जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विनय हो जाएगी, तो बड़े बड़े सन्यासी बाहर की दुनिया में है या अंदर की दुनिया में है, ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी भी है, वो तन की प्योरिटी में महारथी है, बाप को भले नहीं पहचानते, इसलिए मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र नहीं है अभी, लेकिन पवित्र होना है या नहीं होना है, होना तो है, एडवांस ज्ञान लेना तो है, तो वो आत्माएं जो लक्ष्मी जैसा पुरुषार्थ करने वाली है वो जन्म जन्मांतर तन से पवित्र रहेंगी या अपवित्र रहेंगी, है तन से पवित्र रहेंगी, उन्होंने यहाँ वो पुरुषार्थ पक्का कर लिया है, वो जन्म जन्मांतर के लिए वो पुरुषार्थ उनका पक्का रहेगा, उन्हें वो तन की प्योरिटी पालन करने में कोई तकलीफ होने वाली नहीं, उनमें कोई कोई तो ऐसी होगी जो अनेक जन्मों तक
एक से ही संपर्क संबंध संपर्क रखने वाली होगी। जो जो पार्वती का गायन है वरों शंभु नतुरहो कुमारी, तनका सुख भोगेंगी महलों में रह करके रानी बन करके, और राजाएं जो है वो युद्ध करने के लिए बाहर जाएंगे, मरेंगे, कटेंगे, खून खपाएंगे, टांग कटवाएंगे, हाथ कटवाएंगे। अरे युद्ध में कुछ भी हो सकता है। तो तन का सुख मिलेगा उन्हें राजाओं को या मन का सुख मिलेगा? मन का सुख मिलेगा हमारी विजय हुई, और रानियों को तन का सुख मिलेगा। तो सुख भी दो प्रकार का है, अब कौन सा सुख कौन पसंद करता है? रोटी मिल जाए बढ़िया बढ़िया, कपड़ा मिल जाए बढ़िया बढ़िया, मकान मिल जाए, महल मिल जाए बढ़िया बढ़िया, कपड़े मिल जाए। बता दिया कपड़ा पर, बता दिया ना, आपकी तरह काले कपड़े थोड़े ही। और बाबा जब अवस्था डाउन होती है, मन भटकता है, तो बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ की दो रोटी खाना है, वो दो रोटी का क्या अर्थ है? दो रोटी से भील भी पलते हैं। भील क्या खाते हैं? भील जंगल में क्या खाते हैं? दो टिक्कर खाते हैं। छत्तीस प्रकार के भोजन खाते हैं नहीं? तो भील है पांडवों से ज्यादा बढ़िया पुरुषार्थ नहीं करता है, है? तो आप नहीं कर सकते दो रोटी खा के? बाबा बेहद में क्या है? और बेहद हद में और बेहद में एक ही तो बात है, बेहद में हमारी रोटी कौन सी है? ज्ञान रोटी नहीं होती है, ज्ञान जल है, पेय है, याद है हमारी रोटी। और याद जिससे स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, वो याद आता है, या जिससे प्यार नहीं मिलता है वो याद आता है? जिससे असली सच्चा प्यार मिलता है वो याद जरूर आता है। तो याद माने क्या हुआ? क्या इसने अब कोई एक के प्यार में मस्ती ले लेते हैं, पेट भर जाता है जैसे लक्ष्मी, और कोई को पेट नहीं भरता एक से, एक सब्जी खाते खाते अतंगा गए, दूसरी सब्जी चाहिए, तीसरी सब्जी चाहिए। बाबा ने जिकल भरे कर दिया कि मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूं जहां के लोगों को भरपेट रोटी भी नहीं मिलती, तो सब्जी की तो बात ही छोड़, तंबाकू ही तंबाकू पैदा होती है, सब्जी पैदा ही और अगर सब्जी पैदा भी होगी तो बैंगन अगर पैदा हुए तो छह महीने घर में क्या बनेगा? बैंगन ही बैंगन बनेगा। कभी शिकायत नहीं करेंगी घर की गृहणियां कि रोज हमको बैंगन ही क्यों दे रहा है, हम घर छोड़ के चले जाएंगे मायके। अगर खेत में आलू पैदा हुए तो साल भर क्या खाएंगे? आलू ही आलू खाएंगे मस्त होकर। तो देखो कोई दो रोटी में पल जाते हैं बढ़िया पुरुषार्थ कर सकते हैं, और कोई 36 प्रकार के भोग मिले तो भी पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं
संगम युग में त्याग ही भाग्य बनाता है। क्या? जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य बन जाएगा। फिर भी ऐसे लोग तो बहुत कम देखे जा रहे हैं। बाबा तो गारंटी देते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो दो रोटी जरूर खाने को मिलेंगी। फिर बैंक बैलेंस तो कोई न बनाता हो है, दो रोटी के ऊपर ही जिंदगी छोड़ दी हो, ऐसे कम निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे? बहुत कम निकलेंगे। और जो निकलते हैं उनमें भी नंबर वार करता असल पर, कोई निभाने वाले कोई न निभाने वाले, कोई दिखाने वाले, दिखावा बहुत करते हैं। अरे हमने घर बार छोड़ दिया, हमने 36 प्रकार के भोग छोड़ दिए, दुनियादारी साफ छोड़ दी, फिर उन्हीं चीजों की ये लड़ाई लड़ते हैं। बाबा, बाबा ने कहा है अभी संगम नई दुनिया की फाउंडेशन डाली जा रही है, तो फाउंडेशन के बाद फिर मंजिल मिल जाएगा, तो ये फाउंडेशन के लिए चुनाव कब तक चलेगी? फाउंडेशन जब पूरा होता है तो पहली मंजिल तैयार होती है या नहीं होती है? है? होती है। मकान बनता है तो आधा समय मकान सतो प्रधान सतो सामान्य रहता है, सुखदाई रहता है, और आधा समय दुखदाई होता है। तो ये तस्वीरूपी मकान भी कितने जन्म सुखदाई रहता है? 21 जन्म। कौन कौन से 21 जन्म है? संगम का एक और सतयुग त्रेता के। तो संगम युग का एक जन्म जो सुखदाई है उसकी शुरुआत का टाइम बता दिया कि नहीं बता दिया? नहीं बता दिया, भूल गए शायद, इसलिए पूछ रहे हैं। भूल गए कि याद है? बता रखे कौन टाइम बता दिया ना। तो जब सुख का टाइम शुरू होगा मान फाउंडेशन पूरा हो चुका या नहीं हो चुका? फाउंडेशन पूरा हो, अब सुख की दुनिया पहली मंजिल शुरू हो गई। पहली मंजिल में ज्यादा सुख होता है या ऊपर की मंजिल में ज्यादा सुख होता है? ज्यादा सुख होता है। जब बिजली कट हो जाएगी मुसलमान सब काट पीट के बराबर कर देंगे। हाँ, जब बिजली चली जाए लिफ्ट बीच में रुक जाए तब पता चलेगा ऊपर की मंजिल बढ़िया लगती है कि नीचे। बाबा, ये जो आपने जो अभी प्रश्न किया उसका समाधान बताओ, मिल गया तब दूसरा प्रश्न पूछो। सुख 18 से शुरू हो जाएगी, 21 तो सुख की दुनिया जो पहला जन्म है, सुख की दुनिया का 21 जन्मों में से पहला जन्म, सबसे ज्यादा सुख का टाइम वो वहां से शुरू हो जाता है। तो जिनका शुरू हो जाएगा उनका फाउंडेशन रहेगा या सुख की मंजिल शुरू हो गई, नई दुनिया शुरू हो गई, नई दुनिया की मंजिल शुरू हो गई, जैसे कहें फाउंडेशन उनका पूरा हुआ, जो परीक्षाएं थी वो परीक्षाओं से वो क्रैक हो गए। बहुत परीक्षा आती है अभी तो कुछ नहीं आ रही, लेकिन आती है बाबा। है? सूक्ष्म सेवा क्या होता है? मनसा, मनसा एकाग्र है, एकाग्र करने की प्रैक्टिस है तो सूक्ष्म सेवा सफल होगी। मनसा एकाग्र नहीं होती है, चित्त बार बार इधर उधर भटकता है तो मनसा सेवा सफल होने वाली नहीं है।
बाबा ये तो विजय मल्लक का मन का, ये तो ऐसे पवित्र होते हैं जो लक्ष्मी के साथ आएगी, गुरु रुद्रमाला में ऐड होगी ना, वो तो रुद्रमाला वाले तो अपनी तपस्या करने के लिए तपस्या दम वहाँ चले जाएंगे माउंट अबू, रुद्रमाला वाले चले जाएंगे, तो ये विजय माला भी, विजय माला वाले परम नाम नहीं जाते, तो उनको इतनी तपस्या करने के, विजय माला वाली आत्माएं परम नाम जाती नहीं, बिना परम धाम जाए सुखधाम में चली जाएगी, ऐसे होता है नहीं? हमने जाना पहले मुक्ति धाम फिर जाएगी, सब जाएंगे, कोई भी जाएगी मुक्ति धाम में तो सभी को जाना पड़ेगा। माता ये हमने तो पहले इतना पहले किया करने के लिए माला ना, तो कह रहे हैं रुद्र माला ने पहले ही ज्यादा तपस्या की है, ज्यादा पुरुषार्थ की है, वो अपने लिए कह रहे हैं किया तो, लेकिन जो जितना किया एक्यूरेट किया, या उधर मिचलती होती रही माया जी, आपने ज्यादा पुरुषार्थ किया या माया भी जो उसके पुरुषार्थ कराती रही, अगर माया भी पुरुषार्थ होता रहा तो परमधाम में पहले पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे, बाद में पहुंचे बाबा। हाँ लोग जमा कर रहे हैं, क्या होगा, किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, किन की ले गए चोटा, किन की आप जरा, अरे मिलेगा तो कहाँ जाए, कहाँ ले जाएंगे, मिलेगा तो कहाँ ले जाएंगे, अरे यही खत्म होना है ना, पेट में तो दो रोटी जो खाई है और दो रोटी के खाने के बाद जो पुरुषार्थ कर लिया है, दो रोटी खाने की जो ताकत मिलती है उस ताकत से जो पुरुषार्थ कर लिया है वो ही रह जाएगा, किसी का बैंक बैलेंस, किसी का बीमा, किसी का FD रह जाएगा नहीं रह जाएगा, सब खलास होने वाला है, लेकिन विश्वास किसी को नहीं होता है। बाबा ने बोला कि रिश्ता बनकर, और क्या आया आया के दुनिया वालों से रिश्ते जोड़ करके आते हर समय है, अरे संबंध जोड़ने का टाइम चल रहा है, रिश्ते जोड़ने का टाइम चल रहा है या तोड़ने का टाइम चल रहा है, तोड़ने का चल रहा है, और तोड़ने के टाइम पर कोई जोड़ना शुरू कर दे तो घाटे में जाएगा या फायदे में जाएगा, घाटा ही जाता है,